इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई दो नंबर्स है, उसमें से एक्स की वैल्यू उन्होंने दी है 60 है, वाई की वैल्यू ढूंढनी है वो हमें पता नहीं है। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो है एलसीएम जो है वो 28 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, ओके। और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो है एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का एडिशन जो है वो है 435। अभी ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें ढूंढना, ये सेकेंड नंबर है वाई, अभी इस वाई की वैल्यू कैसे निकाले। तो इसके लिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज़ हमारे पास दो नंबर्स है 15 और 20। अभी इन दोनों का अगर एचसीएफ और एलसीएम अगर हमें निकालना है एक ही मेथड में से जल्दी तो कैसे करें। तो इसको हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं इन दोनों का, 15 और 20, इन दोनों जो ये दोनों नंबर जो है वो 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। सो 5 से डिवाइड किया तो 15 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 3 आता है, 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4 आता है। तो इसमें हमारे पास ये मिल जाता है कि ये जो 5 है ये उसका HCF है, ओके। ये 15 और 20 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अभी LCM जब निकालना है तो LCM कैसे निकालेंगे, इस HCF को हम इन लास्ट में जो ये जो दो नंबर्स बचते हैं इनको हम अनकॉमन फैक्टर्स बोलते हैं, ओके। ये 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है और 3 और 4 जो है वो है अनकॉमन फैक्टर्स। सो इन अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे HCF के साथ। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 12, ओके। सो LCM कैलकुलेट करने के लिए HCF मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इसलिए 12। सो LCM हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 60, ओके। सो अगर ये रिलेशन अगर हमें समझ में आ जाता है ना तो यहाँ पे हम उस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते कैसे। अभी LCM इज इक्वल टू 28 टाइम्स ऑफ HCF दिया हुआ है, तो इधर देखिए LCM जो है वो 12 टाइम्स ऑफ HCF था, और ये 12 कहाँ से आया, तो वो अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट था, ओके। सो यहाँ पे 28 जो है वो इस केस में इस सम में अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होने वाला है, ओके। सो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है और उनका प्रोडक्ट 28 आता है, तो वो है 7 और 4, 7 4 ज़ार 28 होता है। तो LCM के लिए एक अनकॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 7 और दूसरे केस में होगा 4, ओके। सो अभी 60 एक नंबर है, 15 के लिए 3 अनकॉमन फैक्टर था क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, और 20 के लिए 4 अनकॉमन फैक्टर था, 4 के टेबल में 20 आता है। तो इस केस में 60 जो है वो 7 से डिवाइड होता है क्या, तो नहीं, 7 के टेबल में 60 नहीं आता, लेकिन 60 जो है वो 4 के टेबल में आता है, ओके। सो 4 से अगर इसको डिवाइड किया 60 को तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 आता है। अभी ये 4 तो अनकॉमन फैक्टर था 28 के केस में, 28 में हम लोग देखा कि 7 और 4 इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 28, तो 4 तो यहाँ पे यूज़ हो गया। तो वाई के केस में हम 7 यूज़ करेंगे और सेम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 7 ज़ार होता है 105, ओके। सो 105 आंसर आ जाएगा वाई का। अभी ये कंफर्म करने के लिए हम ये वाला प्रोसीजर जो है LCM प्लस HCF हम कंफर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि इसका HCF जो है हमारे पास आ गया है 15, ये HCF हो गया, ओके। और LCM जो है वो 28 टाइम्स ऑफ HCF होना चाहिए, तो HCF तो हमारे पास आ गया 15, LCM जो है वो होना चाहिए 28 मल्टीप्लाइड बाय 15, उसका आंसर आता है 420। तो इन दोनों का एडिशन अगर किया तो एग्जैक्टली 435 आ जाता है, ओके। सो कंफर्म हो गया HCF 15, LCM 420 है। तो दो नंबर जो है, एक तो 60 उन्होंने दिया था, दूसरा नंबर 105 हमारा कैलकुलेशन से अभी आ गया है, ओके।